हाय गावंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजाहत है यार। भारतीय टीचर्स को, छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन करता देख पाकिस्तानियों को पड़े मिर्गी के दौरे। अच्छा, टीचर ट्रेन कर रही है बच्चों को? हाँ, देखते हैं वीडियो, वॉच करते हैं कि भाई ये कैसे ट्रेन कर रही है। ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कि आखिर ये ट्रेन कैसे कर रही है छोटे छोटे बच्चों को। तो जल्दी से वॉच करते, क्योंकि अगर छोटे बच्चों को सही तरह ट्रेन ना किया जाए तो भाई साहब वो बड़े होके आपको पता है कैसे पाकिस्तानी की तरह गधी बनते हैं। तो कौन ऑन करते हैं, वॉच कर लेते हैं पहले। 3-2-1 एंड स्टार्ट। वाकई में छोटे छोटे बच्चे हैं, सारे छोटे हैं, 3-3 साल के, 4-4 साल के। सप्ताह के दिनों के नाम सबको आते हैं? सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 5 है। सप्ताह में दिन बताओ जी। 7 सबको बताइए। इसी तरह साल में, हमारे पूरे साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने पूछे तो 12। कितने? ये देखो किस तरह बता रही है, सबको इकट्ठा करके। बिल्कुल। के नाम अच्छे से याद हो जाएंगे। तो सब तैयार है? कमाल है, मैडम को ध्यान से देखेंगे और वैसा ही करेंगे। आप जो मेरे पीछे अभी ये बताएगी कैसे ना, क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी, सारे महीनों के नाम अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों सीखते हैं इस महीने की कविता को। ठीक है, तो बोलो बच्चों, आओ सीखे यारा साल के महीने 12। तो पढ़ सुना रही है यारा साल के महीने 12। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल एंजॉय करा करा के पढ़ा रहे हमारे तो बच्चे भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, जैसे टीचर कर रहे हैं। ये देखो एंजॉय करा रहे, मजे मजे से। ऐसे बच्चों को याद हो तो क्या हो यार, ऐसे छोटे बच्चों को हमारे नहीं पता होता। नहीं, नहीं, यार नहीं। को तो देते लेकिन अगर पढ़ाई खेली में बाहर देने के नाम नहीं पता होता ना। रोज करो पढ़ाई, अगस्त सितंबर अक्टूबर टीचर्स कैसे हैं वहाँ के? नवंबर और दिसंबर अच्छे बच्चे बने हम। शिक्षा देखो ये दी जा रही है वहाँ पर। करे बड़ों का आदर, देखो करे बड़ों का आदर, देखो शादी भी सिखा रही है। तभी तो आपका बच्चा बच्चा बड़ों का आदर है। यारा साल के महीने 12 हो जब यार, आओ सीखे यारा साल के महीने 12। ऐसे बच्चे सीखे नहीं तो क्या होगा? ऐसी तो दिमाग के पुख्त होते रहेंगे, ऐसी चीजें सिखानी पड़ेगी। ऐसी तो दिमाग तेज होते हैं। याद हो गया बच्चे, एक बार से याद सबको याद हो गया। जबरदस्त। इधर हुई वीडियो खत्म। यार ये देखो ना यार, मैं तो शॉक हो गया। छोटे छोटे बच्चे इस तरह से वहां के टीचर्स उनको ट्रेन कर रहे हैं, उनको सिखाया जा रहा है। भाई इतने बच्चे अगर पाकिस्तानी हो कसम से उनको नहीं आते, उनको तो भाई हफ्ते के 7 दिनों के नाम नहीं आते। मंडे ट्यूजडे पांचवी छहवीं क्लास का बच्चा तुम उठा के तेरे को उनको 12 वही ना। उधर देखो भाई किस तरह, भाई जनवरी फरवरी भाई इस तरह किस तरह से वो पोएम की तौर पर वहां के टीचर्स बच्चों को सिखा रहे, वो भी छोटे छोटे यार, और उनको याद भी हुए एक बार। देखो किस तरह एंजॉय करके बच्चों ने ये सीखा। बिल्कुल, किस तरह से एंजॉय करके सीखा। हमारे यहाँ तो यूं मुंह खोल के हम बैठे होते हैं, टीचर बोर्ड पे आती है पोत्र जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और भाई ये आप नोट कर लो, कल आपका इसका टेस्ट स्पेलिंग आपकी सही होनी चाहिए। अबे तो दिमाग में कौन डालेगा, दिमाग में देखो ये है तरीके डालने के छोटे छोटे बच्चों में।
जो भाई अकलों को एंटरटेन करके उनके दिमागों में चीजें डाली जा रही, साथ बताया जा रहा है बड़ों का आदर करना है, साथ सिखाया जा रहा है कि भाई साहब ये चीजें हैं। आखिर पे उसने क्या कहा, बड़ों का एहतराम करो, बड़ों का तो करो, एक चीज में सब कुछ उसने बता दिया है। तभी तो उधर का टैलेंट ऐसा ना वजह वही ना, छोटे छोटे बच्चे आज वहाँ पर ऐसी चीजें सीख रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि वहाँ के टीचर्स अच्छे हैं। जब टीचर्स ऐसे होंगे तो देश का छोटा छोटा बच्चा तरक्की नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, उसके दिमाग में चीजें नहीं आएंगी। ये तो छोटे छोटे तीन तीन चार चार साल के बच्चे थे। मैं तो ऐसे नहीं बोलता, इंडिया के बच्चे जो होते हैं इतने टैलेंट वाले क्यों होते हैं? इसी वजह से होते हैं कि वहाँ के टीचर्स जो है ना वो भगवान का रूप है, जिस तरह उनको सिखा रहे हैं। हमारे यहाँ यार देखो, मैंने भी स्टडी किया, हमारे यहाँ नहीं पढ़ाया जाता इस लेवल का। आते हैं बोर्ड पर लिखते हैं और निकल जाते हैं, लेकिन भारत के अंदर ऐसा सिस्टम मैंने देखा है कि भाई आपको एज अ डांस करके, आपको एज अ एक्टिविटी करके आपको बता रहे हैं कि ये सीन है, इस तरह महीनों के नाम है और चीजें हैं। भाई आपको पता है ना, पहले तो उसने पूछा बच्चों कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं, सात। उसने बोला साल में कितने महीने होते हैं, उन्होंने बोला 12। कहते आज मैं आपको सिखाऊंगी कि 12 महीने होते क्या, कैसे हैं, क्या नाम है उनके। फिर उसने जिस तरह मतलब जनवरी फरवरी फिर आगे पोएम की तरह पढ़ के सारे 12 महीनों के नाम पढ़े, ये देख पढ़ाने का तरीका। उनको पहले ही बारी में सब कुछ याद हो गया। ऐसा होता है ना निजाम, ऐसा होता है पढ़ाने का तरीका। ऐसे टैलेंट वाले टीचर होते हैं जो अपनी यंग जनरेशन को, छोटे बच्चों को आगे लेके चलते हैं, फिर वो बड़े होके आगे नाम भी रोशन होने लगा। वही ना, जब वो भाई अब जब अगली क्लासेस में जाएंगे इनको याद होगा, इनको मसला नहीं होगा। हमारे यहाँ भाई सच्ची बात है, पांचवी क्लास के लड़के को सही ये याद नहीं होते, फिफ्थ क्लास के बच्चे को हमारे यहाँ ये सही याद नहीं होते। ये मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ पर के बच्चों को, नहीं तू यकीन कर, को बच्चे को हमारे से पूछ तू ये कौन सा महीना है, तू महीना का जो इंटरव्यू ले रहा हूँ ये कौन सा महीना है, वो पता का सोचेगा पहले। स्पेलिंग्स तक नहीं आती है, स्पेलिंग्स तक नहीं आती। अभी भी मैं कहता हूँ, मैं बैट लगा के कहता हूँ कि यहाँ पर मैं कहता हूँ 12वीं क्लास का या 10वीं क्लास का भी स्टूडेंट ले आओ, उसमें से 80% बच्चों को स्पेलिंग्स नहीं आती होंगी। नहीं आती होंगी। ये एजुकेशन का लेवल, नाम तो मुंह से बंदा बोल लेता है, स्पेलिंग्स भी तो आए ना। बिल्कुल। उधर का जब तीन चार साल का बच्चा सीख रहेगा तो उसके लिए स्पेलिंग सीखना कौन सा कोई बात। इंग्लिश तो उनकी मस्ट है भाई, वो देखो ना इंग्लिश में, देखो ना किस तरह उसको बता रही। इंग्लिश में पता है आप कोई तू इंडिया का बच्चे, छोटे बच्चे से भी इंटरव्यू ले, वो उसका आप लोग बड़े हो क्यों, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स ऐसे हैं, वहाँ के टीचर सिखा रहे हैं कि भाई आपने अपने आप को बड़ा होकर एक ऐसा आदमी बनाना है कि दुनिया आपको एग्जांपल के तौर पे ले, और वो वाक्य में ऐसा हो रहा है। बिल्कुल। हमारे यहाँ बच्चों, इंडिया हमारा दुश्मन है, हिंदुओं पे वो जुल्म करता है, तो आप भाई साहब हम लोगों ने हिंदुओं के खिलाफ लड़ना है बस। पाकिस्तानी बच्चों को पाकिस्तानी नाम भी नहीं पता पाकिस्तान है किधर, वही ना। हाँ, उनको तो पता ही नहीं है, उनको तो हमारे पता ही बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि भाई साहब हमारे पाकिस्तान के आसपास बॉर्डर को किस तरह नहीं लगते। वाकई ये चीज नहीं पता वजह, इंडिया के बच्चों को हर चीज पता कि हमारे साथ कौन, क्योंकि वहाँ के टीचर सिखाने वाले जब टीचर्स उनको इस तरह से ट्रेन करेंगे तो वो सीखेंगे नहीं। बिल्कुल। पोएम के तौर पर इतने प्रोफेशनल तरीके से प्यार मोहब्बत से सिखाते हैं, बच्चे के दिमाग में ऐसी तो चीजें घुसती हैं, तभी तो बच्चे वहाँ के कोई भूलते नहीं है, तभी तो भाई आज वहाँ के बच्चा आगे बढ़ रहा है इसी वजह से। तो आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो खत्म करते हैं।